नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकरे सर क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी इस चैनल पर नई अपडेट्स आती रहे आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आज का अपना एग्ज़ाम पेपर शुरू करते हैं जो कि अपना लाइन अटेंडेंट का दोस्तों, जो इंदौर पश्चिम क्षेत्र के इसमें पूछा गया था, जो कि जो दोस्तों एग्ज़ाम डेट थी आपकी 24/8/2018 को ये शिफ्ट का एग्ज़ाम पूछा गया। दोस्तों चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना एग्ज़ाम। दोस्तों ये इसमें अपन सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इस दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो है 75 क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रिकल के हैं और 25 क्वेश्चन जो है उसमें नॉन टेक के। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अपना टेक्निकल पार्ट्स। तो चलिए दोस्तों अपन अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है इसमें, कहिया सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान खालिस्तान से अधिक होता है। तो इसमें आता है दोस्तों 400°C। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बॉल पिन हैमर, क्योंकि क्लॉ हैमर जो होता है दोस्तों वो कील निकालने काम आता है। स्लेज हैमर जो होता है वो बहुत बड़ा हैमर होता है दोस्तों, और वेज हथौड़ा जो होता है वो बहुत छोटे कार्यों के लिए उसका काम किया जाता है। दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। विद्युत धारा को मापने की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को जो धारा मापने की इकाई है दोस्तों वो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक रियोस्टेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रियोस्टेट जो होता है आपका यह चर प्रतिरोधक बोले तो इसमें ये दोस्तों आप जो है प्रतिरोध को कम या ज़्यादा इससे किया जा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? तो शुद्ध पानी जो होता है वह विद्युत रोधी होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओम के नियम में अनुपातिकता का स्थिरांक क्या है? तो ओम के नियम में अनुपातिकता का स्थिरांक प्रतिरोध होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ओम के नियम के अनुसार शक्ति के लिए व्यंजक क्या है? तो शक्ति के लिए व्यंजक होता है आपका P=I²R। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक 200 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में 2 किलो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, इसमें धारा का मान आ जाएगा दोस्तों 50 mA। आप इसे सूत्र द्वारा हल करके देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 50 mA आएगा, जिससे अपन मिली में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 mA। दोस्तों चलिए आप चलते अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रतिरोध युक्त एक समानांतर परिपथ में किसकी मात्रा समान रहेगी? जब अपन कोई भी इक्विपमेंट है यदि अपन पैरेलल में यूज़ करते हैं तो उसमें वोल्टेज की मात्रा हमेशा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्योंकि दोस्तों इसमें 75 क्वेश्चन है, यह तो 2 घंटे के लिए था, लेकिन हम इसे 10 से 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी समय बचे और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके दोस्तों, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम में बैठना है तो इससे पहले अपन इसे 10 मिनट देख करके बैठे तो हो सकता हो यहाँ के क्वेश्चन कुछ आपके एग्ज़ाम में फंस जाए और आपका कुछ नंबर इससे बढ़ जाए दोस्तों। तो उम्मीद रहेगी कि आप इसे ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों कौन सा नियम निर्दिष्ट करता है कि किसी बंद पथ में सभी उपकरणों ब्रांच के वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदा शून्य होता है? यहाँ पर जो दोस्तों यह आता है कि वोल्टेज का बीजगणितीय योग में, तो इसमें आ जाएगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परिपथ या उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। परिपथ या उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज़ को क्या करना चाहिए? हमें हमेशा लोड के सीरीज में जुड़ना चाहिए ताकि कभी भी ओवर करंट या फिर फॉल्ट हो उस स्थिति में वो क्या होगा, वो फ्यूज उड़ जाएगा और हमें और हमारे उपकरण को सुरक्षा प्रदान हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विभंग यानी फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भूसंपर्कन द्वारा उपकरण को खाली स्थान में लाना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए 0 V। यदि उसमें कुछ वोल्टेज दर्शा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वाइंडिंग का सिरा जो है आपके उपकरण से जुड़ा हुआ है या फिर उसमें अर्थ लीकेज है, तो जिसे क्या करना होगा, हमें 0 V में लाना होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ऊंची इमारत
और संरचना की रक्षा के लिए खाली स्थान आवश्यक है, तो ऊंची इमारत और संरचना की रक्षा के लिए हमें उसमें अर्थिंग करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जब एक विलयन में से विद्युत धारा गुजरती है तो यह एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका आंसर आ जाएगा रासायनिक। जहाँ विलयन की या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आ जाती है तो वहाँ पर आपका रासायनिक प्रभाव कार्य करता है दोस्तों, जो कि बैटरी के अंदर में होता है। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन खाली स्थान का उपयोग करके किया जाता है। तो किसी भी तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन जो होता है वोल्टामीटर द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत विभव को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभव यानी कि वोल्ट मापने की बात की जा रही है वोल्टेज की, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक शुष्क सेल का नाम मात्र वोल्टेज कितना होता है? तो जो शुष्क सेल होता है ड्राई सेल, जिसका कि नाम मात्र का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सीसा अम्ल लेड एसिड स्टोरेज बैटरी में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो लेड एसिड जो बैटरी होती है दोस्तों उसमें होता है H2SO4 अम्ल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्षारीय बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो इसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो क्षारीय बैटरी होती है इसमें जो विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट जो उपयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। चलिए हम ज़्यादा वीडियो का लंबी नहीं करते, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास खालिस्तान में उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। तो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास होने की संभावना संभावित समस्या रहती दोस्तों, इसमें आ जाएगा लेड एसिड बैटरी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी आ जाएगा टेस्ला। और यदि चुंबकीय प्रवाह की बोलता है उसमें आ जाएगा वेबर, लेकिन चुंबकीय प्रवाह घनत्व की बोल रहा है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा टेस्ला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लौह किसका एक उदाहरण है? तो लौह जो है लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24। फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा इंगित करता है? दोस्तों ये फ्लेमिंग के दाया हाथ एंड बाया हाथ के नियम के अनुसार यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल की एग्जाम देने बैठते हैं सबसे पहले आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, जिसके थंब उंगली एंड तर्जनजे, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल कंटस्ट याद करके जाए कि इसका उपयोग क्यों और कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। इसलिए देखिए फ्लेमिंग के दाया हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा इंगित करता है? दाया हाथ की बात आती है तो वह जो होता है गति या बल की दिशा को इंगित करता है दोस्तों, अंगूठा। क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय वाहक बल MMF की एसआई इकाई क्या है? इसकी होती है एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 26। किसी भी तापमान पर प्रतिरोध किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसका आ जाएगा आंसर नंबर 3, R=RF1+α(T-T)RIF। ये आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 3। इसे आप याद कर लीजिएगा इस सूत्र को। क्वेश्चन नंबर 27। प्रतिरोध के वर्णकूट कलर कोड के अनुसार चांदी के लिए सहनशीलता मान क्या है? देखिए दोस्तों इसमें आता है गोल्डन सिल्वर एंड नो कलर। तो गोल्डन के लिए आता है 5%, सिल्वर के लिए आता है 10% एंड नो कलर के लिए 20%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर की बात हो रही तो इसका आंसर आ जाएगा 10% ±10% दोस्तों। आगे देखिए, एक DC जनरेटर किसके सिद्धांत के आधार पर विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है? यह कहता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एक DC जनरेटर में पोल शू का मुख्य कार्य होता है वायु अंतराल में फ्लक्स समान रूप से फैलाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। DC जनरेटर में प्रेरित EMF के लिए व्यंजक क्या होता है? 5ZNP/60A, इसका आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 31। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए हम इसमें इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा पहला ही। इसका ऑप्शन आ जाएगा कि हमें
आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए उसके अंदर में इंटरपोल्स लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, बैक ईएमएफ का व्यवहारिक महत्व किसका नियंत्रण करना होता है? आर्मेचर विद्युत धारा का प्रवाह। बैक ईएमएफ का जो होता है व्यवहारिक महत्व, ये जो हमें मेन होता है आर्मेचर की विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक 6 ध्रुवीय डीसी मोटर में छादन योजित लैप कनेक्टेड आर्मेचर वेस्टर्न है, प्रति ध्रुव फ्लक्स 30 मिली वेबर है, आर्मेचर सवाहकों की संख्या 200 है, 230 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर यह 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा खींचता है, यदि आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है तो जिस गति पर यह मोटर चल रही है इसका एक बैक ईएमएफ का मान क्रमशः है, तो इसका आंसर सेकंड है दोस्तों इसके अनुसार। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले ले या इसको आप हल करके मुझे आप इसके लिंक में मुझे शेयर करें। यदि नहीं बनता है दोस्तों तो आपको मैं इस क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बना के अपने इस चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों। लेकिन ज़रूर आप इस बहाने कोशिश करें कि अपना जो डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है वहाँ से इसे आप इस क्वेश्चन को निकाल कर हल करने की कोशिश करें, ताकि आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बने। आगे चलते दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। एक डीसी संट मोटर गतिशील करने के लिए खालिस्तान वाले स्टार्टर की प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ डीसी संट मोटर की बात आती है तो वहाँ आता है 3 पॉइंट, सीरीज मोटर की बात आती है तो वहाँ आता है 2 पॉइंट, एंड कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल मोटर की बात आती है तो वहाँ आता है 4 पॉइंट की, या उसमें 3 पॉइंट का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है कंपाउंड या डिफरेंशियल मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। डीसी मोटर में निर्विघ्न गति नियंत्रण प्राप्त करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा है कि हमें एकदम सतत या नियंत्रण प्राप्त करना है, इसके लिए हमें वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि का उपयोग करना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ये होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिनमें परावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 37, वर्ग सी विद्युत रोधी में अधिकतम स्वीकार्य तापमान क्या है? इसका तापमान होता है 180 डिग्री सेल्सियस। आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ये होता है इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आए भी फैल हो चुके, इसके अनुसार आप इसमें 90, 105, 120, 130 डिग्री ऐसा रख करके उसमें आप इसे सेट कर सकते हैं। आगे चलिए, विद्युत तार लगाने वायरिंग की सर्वाधिक सुरक्षित प्रणाली कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा कंड्यूट वायरिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, केबल सामान्यतः खालिस्तान प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। यह जो होता है परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पट संपर्कन पट भू संपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग में पट प्लेट किस से बनी होती? यह होती है जस्तीकृत लोह से बनी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। प्रेरणिक प्रतिघात XL के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो इसका देखिए आप सभी लोग जानते हैं, इसका होता है 2πfL। क्वेश्चन नंबर 42, अभिक्रियाशीलता शक्ति की SI इकाई क्या है? इसकी आती है अभिक्रियाशीलता की इकाई होती है VAR। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि एक ही आवृत्ति के दो वैकल्पिक परिमाणों को अलग अलग प्रवर्तन बिंदु होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे एक ही धारा मार्ग फेज अंतराल में है। इसका आंसर आ जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 44, एक 3 धारा मार्ग फेज वाले स्टार योजित लोड में रैखिक धारा किसके बराबर होती है? तो देखिए दोस्तों, जहां पर यदि स्टार सीजन की बात आती है तो वहां होता है IL बराबर IP, लोड करंट बराबर फेज करंट होता है इसमें, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का कार्य क्या है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, एक ग्लूकोज रिले का और दूसरा आता है ट्रांसफार्मर का, सेकंड क्वेश्चन आता है सिलिका जेल का, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो ग्लूकोज रिले का जो आता है गैस निकालने और
परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए ग्लूकोज रिले का उपयोग किया जाता है, इसे आप अवश्य याद कर लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक 50 हर्ट्ज वाले अपचाई परिणामित्र के प्राथमिक में 400 घुमाव है और वह 6000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक बार हल कर लीजिएगा और मुझे इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर तो वैसे इसमें 0.068 वेबर दिया हुआ है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ट्रांसफार्मर का चैप्टर खोल के इसमें सूत्र लगा के इसको हल करें और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और यदि नहीं बनता है तो हम इसका आपको इसकी सेपरेट वीडियो उसके साथ में बनाकर देंगे दोस्तों, क्योंकि यदि इस वीडियो में भी आप उसको हल करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा और आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। एक आवर्तित की तुल्यकालिक गति ns के लिए व्यंजक, ये होता है ns इज इक्वल टू 120 f अपन p, इसका आ जाएगा आंसर सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्पर्श या धारा मापी टेंजेंट गैलोमीटर किसका एक उदाहरण है, यह होता है आपका निरपेक्ष उपकरण का उदाहरण है टेंजेंट गैलोमीटर का। एक धारा मापी एकल धारा मार्ग वाली प्रेरण प्रकार की ऊर्जा मीटर ऊर्जा को खालिस्तान के रूप में मापती है, तो जो ऊर्जा मीटर की जहाँ बात आती है वहाँ पर KWH का इसका संबंध आता है दोस्तों। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, या लगे आपकी हाफ सेंचुरी। देखिए, खालिस्तान एक स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा की एक माप है, तो इसे जो है अपन लूमेन में मापते हैं। जहाँ पर आपकी इल्यूमिनेशन की बात आती है वहाँ उसका लूमेन होता है दोस्तों। बेलास्ट अधिमानतः किसमें प्रयोग किए जाते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में उपयोग किए जाते हैं, जिसे अपन गांव की भाषा में चोक कहते हैं, इसे यहाँ पर बेलास्ट कहा गया है। स्वतः आरंभ होने वाली एक तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए हमें डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हमें एक तुल्यकालिक मोटर बना रहे हैं जिसे कि अपन ऑटोमेटिक चालू करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करना होगा। आपने ITI क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों इसके बारे में। तुल्यकालिक संधारित्रों का प्रयोग एक शक्ति प्रणाली पावर सिस्टम में किस लिए किया जाता है, तो जहाँ संधारित्र यानी सिंक्रोनस मोटर की बात आती है वहाँ पर सबसे पहली चीज आती है अपने पावर फैक्टर सुधारने के लिए। सिंक्रोनस मोटर को अपन क्यों यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, पावर सिस्टम में जो अपने ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, एक प्रेरण मोटर में घूर्णन गति और घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स की गति के बीच का अंतर स्लिप के लिए व्यंजक क्या होगा, इसका व्यंजक हो जाएगा s = ns - n/ns। आप इसे याद कर लीजिए, ये सूत्र जो है हमेशा एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। एक प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किसको सीमित करने के लिए किया जाता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है दोस्तों आपका ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जो होता है दोस्तों आपका ये होता है आपका प्रवर्ती धारा को सीमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग के समय जो आपकी एक्स्ट्रा करंट जो ओवर करंट आती है, क्योंकि वो होती है 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा होती है, उसे सीमित करने के लिए हमें क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। एक AC वेस्टर्न वाइंडिंग में खांचा स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या होगा, इसका सूत्र है दोस्तों 180 degrees / ध्रुव दूरी यानी पोल पिच, 180 / पोल पिच साधारण भाषा में इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की वो चलते हैं। एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर किस पर कार्य करती है, जो यूनिवर्सल मोटर होती है वह AC और DC दोनों पर कार्य करती है। इन्वर्टर एक उपकरण है जो खालिस्तान में परिवर्तित करता है, तो इन्वर्टर जो होता है वह DC को AC में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर आपका 58 का थर्ड आ जाएगा उसमें। आगे देखिए, एक मोटर जनित्र सेट में एक मोटर और जनित्र किसके माध्यम से यांत्रिक तौर पर संयोजित रहते हैं, यह जो होता है एक शाफ्ट पर मोटर और जनरेटर दोनों के दोनों संयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों, ये कोरोना अभी जो चल रहा है बीमारी, ये वाला कोरोना नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कोरोना है, जो कि मुख्य रूप से आयनीकरण के कारण होता है। आयनीकरण क्या होता है,
जब वायु में मॉइस्चर होता है तो यह तार के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो उसमें बहते हैं दोस्तों, यानी एक तार के आसपास भी उसका एक एरिया बन जाता है जिसे अपन आयनीकरण कहते हैं, और यह कोरोना मुख्य रूप से इसका कारण होता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत प्रवाही तारों की किससे सुरक्षा करने के लिए चापी सरंगी अंतराल यानी आर्किंग हार्न गैप का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत प्रवाही ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है दोस्तों आपका ये फ्लैश ओवर यानी विद्युत धारा दमन, फ्लैश ओवर जो होता है जैसे अपन कोई एबी स्विच काट रहे हैं या लगा रहे हैं उस टाइम जो आर्क निकलती है उसके लिए अपन वहाँ पर आर्किंग हार्न गैप का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्लैश ओवर। क्वेश्चन नंबर 62, एक ऐसा उपकरण जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत संजाल नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। तो ये हम जो फ्यूज की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर MCB मिनीचर सर्किट ब्रेकर उसका फुल नेम है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की चरण प्रतिलोम पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है, तो इसका होता है हाफ वेव का VM, इसका आ जाएगा ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बात आती है तो वहाँ पर सिलिकॉन बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसमें आ जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 65, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी की दक्षता लगभग होती है 81.2। दोस्तों ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी का ये क्वेश्चन एक हाफ वेव का, इससे आप बिल्कुल याद कर लीजिए 81.2 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 66, एक अस्थिर प्रतिरोधांतरित यानी ट्रांजिस्टर का आत्मविध्वंस क्या होता है। तापी विद्युत धारा अपव्यय जहाँ पर उसका थर्मल रनवे होता है वहीं से उसका जो होता है ट्रांजिस्टर का जो है वो विध्वंस मतलब वो ब्रेकडाउन होता है दोस्तों आपको, इसका ये आ जाएगा तापीय विद्युत धारा अपव्यय थर्मल रनवे, इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा, उसमें सेकंड आ जाएगा। देखिए एक ऐसा उपकरण जो एक शक्ति प्रतिरोधांतरित से अतिरिक्त ऊष्मा को नष्ट करता है, ये आता है दोस्तों हीट सिंक। आपने देखा होगा जी कभी आपने इसमें टीवी या फिर रेडियो के लिए आप जो प्लेट होती है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे होते हैं उसमें एल्यूमिनियम की प्लेट सिंक लगी होती है दोस्तों, हीट सिंक जो होता है जो कि होती है यदि आपके इक्विपमेंट ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो वह हीट को प्रसार करके ठंडा कर देती है जो कि अपना इक्विपमेंट ज़्यादा गर्म होने से बच जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि संग्राहक धारा निवेश संकेतक के केवल धनात्मक अर्धचक्र के दौरान प्रवाहित होती है तो शक्ति प्रवर्धक किस प्रकार का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला गया है, यदि संग्राहक धारा यानी कलेक्टर धारा निवेश संकेतक के केवल धनात्मक अर्धचक्र के दौरान प्रवाहित होती है तो शक्ति प्रवर्धक किस प्रकार का होगा, वह आ जाएगा बी वर्ग का शक्ति प्रवर्धक आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि दो SCR एक समांतर विन्यास में जुड़े हैं तो यह एक ट्रायड बन जाएंगे, यदि साधारण डायोड यदि जुड़ेंगे तो डायोड बनेगा, लेकिन जहाँ SCR की बात आ जाती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की उसलिए वहाँ पर ट्रायड बन जाता है दोस्तों। ठीक है यहाँ पर बहुत से लोग जो है सिर्फ डायोड लगा के आते हैं कि जहाँ पर दो SCR लगते हैं वहाँ डायोड बनता है, लेकिन उसका आंसर गलत है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रायड। डायोड का बनता है जो जहाँ पर दो साधारण डायोड जुड़ते हैं तो वहाँ डायोड बनता है, लेकिन जहाँ दो SCR ट्रांजिस्टर जुड़ जाते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर तो वहाँ पर जो आता है आपका ट्रैक आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर में अप्रत्याशित विद्युत व्यवधान को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग करते हैं UPS का, आपने देखा होगा कंप्यूटर सेक्शन में UPS लगाया जाता है जो कि अपने सप्लाई ऑफ होने पर तुरंत बैकअप ले लेता है और हमारे कंप्यूटर को बंद होने से बचा जाता है। आगे देखिए, जब एक परिपथ में खाली स्थान होते हैं तो फेरो अनुनाद यह होता है LC घटक में, फेरो अनुनाद जो होता है आपका LC घटक में होता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस घटक जिसे कहते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, बस अपना चैप्टर एग्जाम ख़त्म होने वाला दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती EMF को गणितीय रूप से 200 sin 314 t द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति का मान क्या होगा, इसका आ जाएगा 50 hertz। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 100 वोल्ट का आयाम होता है तो इसका RMS मान, इसका RMS मान हो जाएगा 7
70.7 वोल्ट, इसका आ जाएगा 70.7 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। इसमें 7 इंटू, क्योंकि RMS मान होता है 0.707 × 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 70.7 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। IEEE इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार नियमों के अनुसार फ्यूज को आवश्यक रूप से कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये फ्यूज जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रखे जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना आ गया 75। एक प्रतिरोधांतरित ट्रांजिस्टर जिस किसमें प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, तो ये आ जाएगा एक्टिव फील्ड में जो होता है आपका, ये सक्रिय क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए आपका यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिकल का पार्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ से जो होता है आपका नॉन टेक शुरू हो जाता है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इसकी अपडेट चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें दोस्तों। धन्यवाद।